पालकमंत्री के रूप में मैंने जिले में विकास कार्यों के लिए आवश्यक निधि के लिए हमेशा कड़ा रुख अपनाया है। अब तक हमने जिला सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपाय योजना, जनजातीय घटक कार्यक्रम के लिए अच्छा धन उपलब्ध करा है। जिले के सभी विधानसभा क्षेत्र में अच्छा कार्य होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री और जिला संरक्षक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि धन के उचित उपयोग के लिए समन्वय और सख्त योजना अधिक प्रभावी होनी चाहिए। वन नागपुर जिले के प्रशासनिक भवनों की शोभा बढ़ाने वाले जिला योजना हॉल के उद्घाटन के बाद इस नए हॉल में आयोजित जिला योजना समिति की बैठक में बोल रहे थे। इस अवसर पर सांसद श्याम कुमार बर्वे, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री चंद्रशेखर बावनकुए, प्रवीण दटकी, अभिजीत वंजारी, सुधाकर अदबले, परिणय फुके, कृपाल तुम्बारी, विधान परिषद सदस्य सर्वश्री अनिल देशमुख, डॉक्टर नितिन राउत, कृष्णा खोपड़े, विकास कुंभारे, मोहन मते, समीर बेके, सलाहकार आशीष जायसवाल, तेजचंद सावरकर, जिला परिषद अध्यक्ष मुक्ता कोकटे, पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविन्द्र कुमार सिंगल, नगर निगम आयुक्त अभिजीत चौधरी, कलेक्टर डॉक्टर विपिन इटनकर, जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौम्या शर्मा सहित विशेष रूप से आमंत्रित एवं मनोनीत सदस्यों सहित संबंधित कार्यकारी विभागों के प्रमुख उपस्थित थे। जिला प्रशासन ने विभिन्न विकास कार्यों के माध्यम से उपलब्ध धनराशि का सीमित समय में सदुपयोग कर दिखा है। जिला योजना समिति की ओर से समिति के अध्यक्ष एवं पालक मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वर्ष 2023 में सामान्य योजना, अनुसूचित जाति उपाय योजना, आदिवासी घटक कार्यक्रम हेतु कुल 1036 करोड़ 38 लाख की राशि के व्यय को मंजूरी दी है। सामान्य योजना के लिए 800 करोड़, अनुसूचित जाति कार्यान्वयन योजना के लिए लगभग 183 करोड़ और आदिवासी घटक कार्यक्रम के लिए 53 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए। उपलब्ध धनराशि के अनुपात में व्यय अनुपात 99.97% पर आ गया। इसके साथ ही 2024-25 के तहत अनुसूचित जाति उप कार्यक्रम, जनजाति घटक कार्यक्रम योजना के लिए जुलाई 2024 के अंत तक करीब 1219 करोड़ की व्यय का अनुमान बजट में है। बजटीय वितरण प्रणाली से कुल 405 करोड़ 65,63,000 रुपए की धनराशि प्राप्त हुई है। प्राप्त प्रावधान में से जुलाई 2024 के अंत तक 48 करोड़ 71 लाख 79,000 रुपए की धनराशि कार्यवाही तंत्र को वितरित की जा चुकी है। वितरित प्रावधान में से 23 करोड़ 71 लाख 30 हजार की धनराशि व्यय की जा चुकी है। वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत व्यय इस प्रकार है। इसमें से सामान्य योजना के लिए 944 करोड़, अनुसूचित जाति कार्यान्वयन के लिए 195 करोड़ और आदिवासी घटक कार्यक्रम के लिए 80 करोड़। कुल जिला वार्षिक योजना व्यय 1200 करोड़ रुपए है। जिल्हा नियोजनाचा जो आराखडा आहे हा 1200 कोटीपेक्षा जास्त आता आम्ही नेलेला आहे आणि एक मोठी वाढ नागपूर जिल्ह्याच्या नियोजनाच्या आराखड्यामध्ये मोठा निधी देऊन आपण त्या ठिकाणी केली आहे। याच्या व्यतिरिक्त जवळपास 5000 कोटी रुपये विविध कामांवर या जिल्ह्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या वतीनं आम्ही दिलेले आहेत आणि जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास व्हावा, आरोग्याचं क्षेत्र असेल, शिक्षणाचं क्षेत्र असेल, इन्फ्रास्ट्रक्चरचं क्षेत्र असेल, विजेचं क्षेत्र असेल, मूलभूत ज्या बाबी आहेत त्या बाबी योग्य प्रकारे लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी आम्ही या आराखड्याच्या माध्यमातून करतो आहे। लोकप्रतिनिधींनी देखील काही चांगल्या सूचना या ठिकाणी मांडल्या, त्या सूचनांच्या संदर्भात मी स्वतः निर्देश दिले आहेत आणि विशेषतः आज जे गावं आपल्या संरक्षित वनाच्या आसपास आहेत त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांचं जे नुकसान होत आहे आणि म्हणून तिथे सोलर फेन्सिंग ही जी योजना आहे ही अधिक प्रभावीपणे राबवण्याकरता जिल्हा नियोजनातून देखील त्याला कशी मदत करता येईल अशा प्रकारचा प्रयत्न आम्ही या निमित्ताने करतोय। पाणंद रस्ते किंवा पांडन रस्ते ज्याला आपण म्हणतो, जे शेतकऱ्यांच्या अतिशय जिव्हाळ्याचे आहेत त्याच्याकरता देखील निधी आपण राखीव ठेवलेला आहे आणि विविध योजनांना कुठल्याही प्रकारे निधी कमी पडणार नाही अशा प्रकारची व्यवस्था आम्ही केली। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।